हाय गाइस, मैं हूँ अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मेरे घर में बहुत टेस्टी खाना बना हुआ है। राजमा बना हुआ है, छोले बने हुए हैं, उनके साथ चावल बने हुए हैं और पूरे घर में खुशबू हो रखी है। और खुशबू के लिए हम बहुत सारे मसाले अपनी डिशेज में डालते हैं। आप सोच रहे होंगे आज अपूर्वा प्लांट्स को छोड़ के डिशेज की बातें कर रही है, वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जिसको बोलेंगे हम तेज पत्ता, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको बे लीफ। जब हम इन मसालों को, खड़े मसालों को जब हम अपने किसी भी डिशेज में डालते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है। जैसे अभी मेरे घर में खुशबू हो रखी है हर जगह। और देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, मार्केट में ये जितने भी मसाले हैं इनके प्राइस कभी बढ़ते रहते हैं, कभी डिक्रीज होते रहते हैं, कभी इंक्रीज होते रहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि तेज पत्ता डालने का मन तो है बट है ही नहीं, तो अभी नहीं जा रहे हम मार्केट में। तो एक काम कर सकते हो आप, बालकनी में लगा लो। बैल्कनी में लगाने के बाद आप बड़े आराम से जितना चाहो जब चाहो तोड़ सकते हो आप। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि तेज पत्ता को घर के अंदर कैसे ग्रो किया जाए। इसके लिए चार चीजें लगेंगी। बीज, अगर बीज से नहीं ग्रो कर रहे हैं तो सीधा नर्सरी से पौधा लेके आ सकते हैं। खाद कौन सा डलेगा, पानी कौन सा डालें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए गार्डन गपशप के साथ आपको जुड़े रहना होगा। अब मैं बताती हूँ कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसके सॉइल कंपोजिशन की। अगर हम तेज पत्ते के पौधे को अपने घर में ग्रो कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसकी जो मिट्टी है दो दिन पहले ही तैयार करके रख लें, जहां पे आप इसको प्लेस कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए सॉइल कंपोजिशन बहुत प्यारा सा अच्छा सा रेडी करना पड़ेगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर डला रहना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, अगर आपके पास कंपोस्ट है ना तो कंपोस्ट को ऐड कर दो मिट्टी के अंदर, 20% उसमें ऐड कर दो मिट्टी के अंदर, 50% आपकी नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए। इसी में जो मैं पेस्टिसाइड के बारे में बात कर रही थी आपसे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी नीम खली को डाल दीजिए उसी टाइम पे मिट्टी तैयार करते करते। वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, एक मुट्ठी, और फिर उसके बाद इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेत, रेत को भी इसमें मिक्स कर लीजिए। क्योंकि होगा क्या, जैसे आप पानी देंगे ना नीचे से बड़े आराम से रिलीज हो जाएगा जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, तो इसका इस्तेमाल करना है। अब पौधे की बात करते हैं। जो तेज पत्ते का पौधा है उसको दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है, या तो आप नर्सरी से पौधा लेके आ जाइए, या फिर आपके पास पेशेंस है ना। मेरे पास तो पेशेंस है बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं 8-9 महीने तक या 10-10 महीने तक भी मैंने वेट किया है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इतने ज्यादा ईगर होते हैं कि अरे नहीं आज ही हमने ग्रो किया है तो 2-3 दिन के अंदर ही हो जाए, बस फटाफट से मुझे सैपलिंग्स दिख जाए पौधे के अंदर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, सॉरी पौधे के अंदर नहीं, मिट्टी के अंदर। तो देखिए होता क्या है, अगर आप इसके तेज पत्ते के पौधे को बीज से ग्रो कर रहे हैं, सीड से ग्रो कर रहे हैं, तो यू हैव टू पेशेंस एटलीस्ट 9 मंथ्स और 8 मंथ्स, 8-9 महीने बाद इसकी सैपलिंग्स आपको दिखेंगी। और अगर आप पेशेंस नहीं आपके अंदर तो आप सीधा नर्सरी में जाइए और इस पौधे को लेके आ जाइए। रीपॉट बिल्कुल मत कीजिएगा, रीपॉट करना है तो शाम को कर लेना। और रीपॉटिंग के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट से जाके वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रीपॉटिंग की। इसके अलावा पानी आपको कैसे डालना है, पानी आपको मतलब 2-3 दिन में एक बार तो डालना ही डालना है। अगर पानी सपोज कीजिए आपने नहीं डाला ना तो इसके सारे पत्ते बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे और धीरे धीरे झड़ने भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपने वाटर साइकिल का पैटर्न अच्छे से फॉलो नहीं किया तो मतलब ऐसा होगा कि धीरे धीरे पत्ते झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको वाटर साइकिल जरूर मेंटेन करके रखनी है कि जैसे मैंने आज पानी दिया और 2 दिन बाद मिट्टी सूखेगी ही सूखेगी, फिर से पानी दे दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि 15 दिन बाद दे दिया, 20 दिन पौधा तो मैं पहले से आपको बता रही हूँ सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी, प्लीज एक डायरी लेके आ जाइए उसमें नोट कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तेज पत्ता के लिए। तो दोस्तों, तेज पत्ता को अपने घर में ग्रो कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने पौधों को, अपने तेज पत्ते के पौधे को किस तरीके से ग्रो करें, क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं। और यूज करने के बाद जैसे ही सैपलिंग्स निकलेंगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब बीज से हम कोई भी पौधे को ग्रो करते हैं तो, और जब वो पौधा या प्लांट धीरे धीरे जैसे ग्रो होना शुरू हो जाता है और नए नए स्टेजेस में आना स्टार्ट हो जाता है, पहले छोटा सा होता है फिर उसके बाद जैसे ह्यूमंस का होता है तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा,
गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तभी तो आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।